कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ई बुक्स, ई बुक्स के क्या लाभ हैं और हम किस लिए ई बुक्स को यूज करते हैं। जैसे ई बुक्स हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स पोर्टेबिलिटी। ई बुक्स कैन बी एक्सेस्ड ऑन वेरियस डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एटसेट्रा, ई रीडर्स। नेक्स्ट इज ई बुक्स इज यूज फॉर इट्स एक्सेसिबिलिटी। ई बुक्स हमें प्रोवाइड करता है एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि फोन, इसका फोन हम रिसाइज कर सकते हैं, इसका फोन रिसाइज हो सकता है और ये किसी भी स्क्रीन पर, किसी भी स्क्रीन साइज पर जो है अपने आप को रिफ्लोल करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये यूज करते हैं क्योंकि ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स इट इज चीपर देन फिजिकल और प्रिंटेड बुक्स। क्योंकि हम एक ई बुक्स को डेवलप करने के बाद मल्टीपल टाइम उसको अपडेट कर सकते हैं और उसको रिशेयर कर सकते हैं अगेन एंड अगेन। लेकिन अगर कोई फिजिकल बुक होगी, प्रिंटेड बुक होगी, उसको हम एक बार प्रिंटेड का प्रिंट करने के बाद उसको हम अपडेट नहीं कर सकते। उसको अपडेट करने के लिए हमको फिर से दोबारा उसको रिप्रिंट ही करना होगा। इसलिए उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है एज कंपेयर टू फिजिकल बुक्स। सर्च ई बुक्स प्रोवाइड सर्चेबल सर्चेबिलिटीज ऑप्शंस। हम ई बुक्स के अंदर अपने कंटेंट को किसी भी कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं और उसको हाइपरलिंक कर सकते हैं, हाइलाइट्स कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ऑफ कोर्स क्योंकि ये कंप्यूटर्स पर और टैबलेट्स पर रन होती है तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। इसके लिए कोई हमें फिजिकल पेपर्स की और फिजिकल शॉप पर जाने की नीड नहीं है। हम इसको अपने मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं या टैबलेट्स पर या कंप्यूटर्स पर एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ अ कन्वीनियंस। ये हम अपने ही फोन से हमें इंस्टेंटली परचेज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स भी होती हैं, परचेज भी कर सकते हैं, फ्री फ्री में भी अवेलेबल होती हैं ओपन सोर्स। ठीक है, और इसको यूज करने के लिए हमें किसी फिजिकल स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है। अपने फोन से जस्ट हमें इंटरनेट की नीड होगी, हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज स्पेस सेविंग और इट इज कस्टमाइजेबिलिटी। कस्टमाइजेबल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ई बुक्स क्योंकि ई बुक्स हमें ऑफर करता है कंटेंट को कस्टमाइज करने के लिए, करने का हम फॉन्ट्स को इंक्रीमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं ऐसे। और ये एक्सेसिबिलिटी फीचर्स भी हमें प्रोवाइड करता है ई बुक्स। तो ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम ई बुक्स को यूज करते हैं। अब देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ई बुक्स। ई बुक्स के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक पीडीएफ है, ई बुक्स है और भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो हम अभी देखेंगे। जैसे पीडीएफ, पीडीएफ क्या होता है हम सभी को पता है। पीडीएफ एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए, मैनुअल्स के लिए एंड मटेरियल्स दैट रिक्वायर अ फिक्स्ड लेआउट, जिसमें हमें फिक्स्ड लेआउट की नीड होती है। जैसे हमें किसी का प्रिंट आउट निकालना है, किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है, तो अगर हम पीडीएफ फॉर्मेट से प्रिंट आउट निकालते हैं तो वो हमें एज इट इज सेम मिलता है, जैसे कि वो स्क्रीन पर विजिबल होता है। ईपब ई बुक्स, ईपब इज मोस्ट कॉमन ई बुक फॉर्मेट फॉर ई बुक्स। ईपब हमें हाईली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसकी जो स्क्रीन होती है, लेआउट होती है, वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज फिक्स होती है। अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज अपने आप को रिसाइज कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। ई बुक्स कैन बी रीड ऑन वेरियस डिवाइसेस लाइक ई रीडर्स, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, ई रीडर्स एटसेट्रा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों पर हम काफ़ी सारे गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ई पब को रीड कर सकते हैं। अच्छा, ई पब क्या है? ई पब प्रोवाइड करता है हमें एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि हम इसका फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ईपब के अंदर टेक्स्ट टू स्पीच भी होता है, टेक्स्ट टू स्पीच होता है जिसे हम कोई भी इजीली उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज मोबी ई बुक्स। मोबी ई बुक्स क्या होता है आपने देखा होगा और काफी सारे लोगों ने यूज किया होगा। अमेजोन का एक डिवाइस थी जिसका नाम जो किंडल है,
अमेजोन के डिवाइस, तो ये मोबी ई बुक्स भी सिमिलर होता है ई बुक्स के जैसा, सिमिलर होता है ई पब्स के जैसा। ये भी हमें वही फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टेबल कंटेंट प्रोवाइड प्रोवाइड करता है। इंटरेक्टिव ई बुक्स, नेक्स्ट इज इंटरेक्टिव ई बुक्स। इंटरेक्टिव ई बुक्स वो होते हैं जिसमें मल्टीमीडिया हम यूज कर सकते हैं, मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं, जैसे ऑडियोज, वीडियोज, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स, एनिमेशन आदि। एनहांस्ड ई बुक्स, एनहांस्ड ई बुक्स भी सिमिलर होता है इंटरेक्टिव ई बुक्स के, इसमें भी हम मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स्ड लेआउट ई बुक्स। फिक्स्ड लेआउट ई बुक्स जो है वो बेसिकली ये सिमिलर होते हैं फ्लिप बुक के, इसकी भी लेआउट फिक्स्ड होती है, और ये फिक्स्ड लेआउट ई बुक्स हम यूज करते हैं कॉमिक बुक्स के लिए और चिल्ड्रंस बुक्स के लिए। अब देखते हैं एनसीईआरटी यूजेस ऑफ, वेट मैं आपका स्लाइड को चेंज कर लेता हूँ। एनसीईआरटी यूजेस ऑफ ई बुक्स, एनसीईआरटी ई बुक्स को किस तरह यूज करता है और प्रोवाइड प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली एनसीईआरटी यूजेस थ्री टाइप्स ऑफ ई बुक्स, जैसे पीडीएफ, फ्लिप बुक एंड ई पब। अब एनसीईआरटी प्रोवाइड एजुकेशनल रिसोर्स इन दिस टाइप ऑफ विद दिस टाइप ऑफ ई बुक्स विच आर अवेलेबल ऑन दीक्षा पोर्टल, ई पाठशाला पोर्टल एंड इट्स मोबाइल ऐप इट्स सेल्फ, जैसे कि दीक्षा मोबाइल ऐप, ई पाठशाला मोबाइल ऐप, और एनसीईआरटी के ये सभी पीडीएफ, फ्लिप बुक्स, ई पब जो रिसोर्सेज हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, वो मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, विच इज हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। और ये सभी रिसोर्सेज इस तरह से डिजाइन है कि सभी प्लेटफॉर्म पर और सभी स्क्रीन साइजेस पर, सभी डिवाइसेस पर ये इजीली रन हो सकते हैं, रन कर सकते हैं इनको। व्हाट इज डिजिटाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक? डिजिटाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ट्रेडिशनल प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स। मतलब अब ट्रेडिशनल जो हमारे काफी टाइम पहले से, हजारों साल से हम प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स को यूज कर रहे हैं, उस बुक्स के डिजिटल वर्जन को ही डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को डिजिटाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स हम बोल सकते हैं। जैसे इससे ये सभी बुक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर यूज हो सके और रन हो सकते हैं। ठीक है, व्हाई पीडीएफ्स आर यूजफुल्स और व्हाई एनसीईआरटी यूज पीडीएफ्स? बिकॉज ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी। पीडीएफ की लेआउट जो होती है, पीडीएफ की लेआउट फिक्स होती है, आप उसको किसी भी स्क्रीन साइज पर आप पीडीएफ को रन कर सकते हैं, नो मैटर आप इसको किस स्क्रीन साइज पर और किस डिवाइस पर देख रहे हैं, इसकी लेआउट सभी सभी जगह पर, वेदर कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप हो, या फिर कोई टैबलेट या छोटा छोटी स्क्रीन साइज मोबाइल फोन हो, उस पर इसकी लेआउट हमें फिक्स ही मिलेगी और सेम मिलेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल कॉम्पेटेबिलिटी, पीडीएफ यूनिवर्सल कॉम्पेटेबिलिटी होती है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इसको, पीडीएफ को सपोर्ट करते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पीडीएफ का एक काफी अच्छा फीचर्स है जो इम्पोर्टेंट है इसका, इट इज इसकी सिक्योरिटी। अगर कोई हमें सेंसिटिव डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हम उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल इन साइज, पीडीएफ इज स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट इजी टू प्रिंट, क्योंकि इसके लेआउट फिक्स्ड होती है तो हम इसका प्रिंट आउट इजीली कर सकते हैं, जैसा हमें स्क्रीन पर दिखेगा इसका प्रिंट आउट भी हमें वैसे ही मिलता है, और ये
ये पीडीएफ भी मल्टीमीडिया सपोर्ट करता है, जैसे कि हाइपरलिंक, बटन्स, इस तरह से। ये एक नीचे लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, और ये एनसीईआरटी, यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं सभी एनसीईआरटी वेबसाइट पर, जिसमें पीडीएफ वर्जन में, पीडीएफ फॉर्मेट में सभी एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं। व्हाई फ्लिप बुक्स आर यूजफुल, फ्लिप बुक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक, क्योंकि फ्लिप बुक्स सिमिलर होते हैं बिल्कुल लाइक अ फिजिकल और रियल बुक्स की तरह। जैसे रियल बुक्स में हम पेज को टर्न करते हैं और फ्लिप करते हैं, वैसे ही फ्लिप बुक में हम पेज को फ्लिप कर सकते हैं और टर्न टर्न कर सकते हैं। और स्पेशली जैसे कि रियल बुक्स में पेज को टर्न करने पर एक साउंड जनरेट होता है, वैसे ही साउंड हम इसमें भी फ्लिप बुक में भी इनेबल कर सकते हैं। वाई फ्लिप बुक्स आर यूजफुल, फ्लिप बुक्स इसलिए यूजफुल्स हैं क्योंकि ये इजी टू रीड हैं, ये हमें वैसे ही फैमिलियर फील देती हैं जैसे हम रियल बुक्स को रीड कर रहे हैं। एंड इंटरेक्टिव, फ्लिप बुक्स इज इंटरेक्टिव बिकॉज इसके अंदर हम ऑडियोज, वीडियोज, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स को हम यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा फ्लिप बुक्स काफ़ी इंटरेक्टिव हो जाती है, एक्सेसिबल एनीवेयर, क्योंकि ये कंप्यूटर्स और टैबलेट्स पर यूज होती है, तो उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। एनवायरमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, इसके लिए भी कोई हमें पेपर की नीड नहीं है। यहाँ पर लिंक है जिसके द्वारा हम ई पाठशाला पोर्टल पर एनसीईआरटी के सभी एजुकेशनल रिसोर्सेज को फ्लिप बुक फॉर्मेट में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ईपब। ईपब एक काफी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये ईबुक सबसे ज्यादा यूज होती है फॉर एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए और बच्चों के बुक्स के लिए। ये ईपब क्या होता है, ईपब हमें प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी के किसी भी स्क्रीन साइज पर हम इसके कंटेंट को फ्लेक्सिबिलिटी से देख सकते हैं, और इसका कंटेंट रिसाइजेबल होता है, रिफ्लेक्सिबल होता है, चाहे स्क्रीन साइज बड़ा हो या छोटा हो, हम ईपब को इजीली रीड कर सकते हैं। ईपब क्या है, ईपब का लेटेस्ट वर्जन ईपब 3 है, और ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ 2011 में, और ईपब सपोर्ट करता है HTML5, CSS3 एंड जावास्क्रिप्ट। और क्योंकि ये HTML और CSS3 और जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, तो इससे हम ईपब्स को, अपने ईबुक्स को काफी ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। व्हाई डू वी नीड ईपब, ईपब की जरूरत हमें क्यों है? ईपब की जरूरत इसलिए है क्योंकि ईपब कैन बी रीड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस, मैनी डिवाइसेस लाइक ई रीडर्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, एडजस्टेबल टेक्स्ट। जैसे मैंने बताया, जैसे कि पीडीएफ का टेक्स्ट होता है वो फिक्स लेआउट होती है, लेकिन ईपब का टेक्स्ट वो रिप्लेबल होता है, हम उसको किसी भी स्क्रीन साइज पर देखेंगे, वो अपने आप को उस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग रिफ्लेबल हो जाएगा, और हम उसको स्क्रॉल करके इजीली पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें कोई जूम करने की, जूम इन और जूम आउट की नीड नहीं है। इंटरेक्टिव फीचर्स होते हैं इसमें, इंटरेक्टिव फीचर्स क्योंकि हम इसमें वीडियोज ऐड कर सकते हैं, ऑडियो ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाती है, एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। इसका ईपब का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी उनके लिए जो विजुअली डिसेबल हैं और लो विजन है, उनके लिए ये एक्सेसिबल है। जैसे हम ईपब में इनेबल कर सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, जिससे ईपब का टेक्स्ट लाउडली आपकी ऐप रीड कर सकती है, और इसमें हम टेक्स्ट को रिसाइज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, ऐसे काफी सारे फीचर्स ये ईपब हमें अलाउ करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नाउ द की डिफरेंस बिटवीन ईपब एंड पीडीएफ्स, ईपब्स में एंड पीडीएफ्स में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस इज इसका लेआउट। पीडीएफ का लेआउट फिक्स होता है, लेकिन ईपब का जो लेआउट होता है वो रिप्लेबल लेआउट होता है, मीन्स किसी भी स्क्रीन साइज पर हम इसके टेक्स्ट को
रिफ्लोर कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं, मतलब जो भी स्क्रीन साइज होगा इसका टेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। लेकिन पीडीएफ में क्या होता है, पीडीएफ में आपको अगर स्मॉल स्क्रीन साइज है तो हमें पीडीएफ को जूम करके देखना होता है, जो हम ईपब में नहीं कर सकते। ईपब में हम इजीली रीड कर सकते हैं क्योंकि ये रिफ्लोरेबल होता है। डिवाइस कंपेटिबिलिटी, ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पीडीएफ को रन कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। और लेकिन जो ईपब है, ईपब डिजाइन फॉर ई रीडर्स, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। इंटरेक्टिविटी, पीडीएफ में जो इंटरेक्टिव होती है वो लेस इंटरेक्टिव होती है क्योंकि उसमें हम सिर्फ हाइपरलिंक्स लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, लेकिन ईपब के अंदर हम ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स और काफी सारे ऐसे इंटरेक्टिव फीचर्स हम ईपब के अंदर देख सकते हैं। फाइल साइज, पीडीएफ और ईपब दोनों ही की फाइल साइज स्मॉल होता है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ईपब इज बेटर एक्सेसिबल ऑप्शन सच एज, जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्स्ट टू स्पीच होता है इसमें, एडजस्टेबल फॉन्ट साइज होता है और स्क्रीन रीडर कंपेटिबिलिटीज होती है, किसी भी स्क्रीन साइज पर ये हम इसको रीड कर सकते हैं। पीडीएफ जो होती है, पीडीएफ लेस एक्सेसिबल होती है क्योंकि इसकी लेआउट फिक्स्ड होती है, तो हम इसको इजीली रीड नहीं कर सकते। अगर हम बात करें छोटे स्मार्टफोन की या छोटे फोन की, छोटे स्क्रीन साइज पर हम इसको इजीली रीड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जूम करना होता है या लैंडस्केप मोड में करना होता है उसके साइज के लिए। एडिटिंग एंड प्रिंटिंग, यस, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग के लिए पीडीएफ इज बेटर बेटर ऑप्शन क्योंकि इसकी लेआउट फिक्स होती है, तो हम इसका इजीली प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसा हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है इसका प्रिंट, और वैसा ही हम निकाल सकते हैं। लेकिन ईपब क्यों है, ईपब मोर डिफिकल्ट टू प्रिंट क्योंकि ये रिफ्लोएबल होता है, तो इसका प्रिंट इतना अच्छा नहीं होता और निकाल नहीं सकते हम इजीली। आप देखते हैं एनसीईआरटी ई बुक्स अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग प्लेसेस, एनसीईआरटी के ई बुक्स जो है, रिसोर्सेज जो है वो कहाँ पर और किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं पीडीएफ वर्जन रिसोर्सेज की, तो एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, एनसीईआरटी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर सभी पीडीएफ वर्जन ई बुक्स अवेलेबल हैं। अगर हम चाहिए ई बुक्स और ई रिसोर्सेज विद एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स, तो हमें दीक्षा पोर्टल्स और दीक्षा मोबाइल ऐप पर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ई बुक्स और फ्लिप बुक्स और ई पब के लिए हम ई पाठशाला मोबाइल ऐप और ई पाठशाला पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। हाउ टू डेवलप ई पब, अब हम सीखेंगे कि ई पब को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। डेवलप कर सकते हैं इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो उसके लिए हमें जो बेसिक चीज को नीड होगी वो ये है कि अपने कंटेंट को हमें प्रिपेयर रखना है, और दूसरा ईपब क्रिएशन टूल जो एक ईपब एडिटर होगा उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो काफी सारे ईपब हैं, ईपब क्रिएशन टूल्स हैं, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो सिजिल करते हैं। सिजिल जो सिजिल ईपब एडिटर एक ओपन सोर्स है, ये फ्री है, तो और ये अलाउ करता है हमें टू एडिट ईपब फाइल्स। तो यूजिंग सिजिल, सिजिल को कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हमें सिजिल को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, देन उसको ओपन करेंगे, क्रिएट न्यू ईपब फाइल्स, इंपोर्ट योर टेक्स्ट इमेज एंड वीडियोस वीडियोस एक्सेट्रा योर कंटेंट एंड देन सेव। इसका हम एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ये यहाँ पर एक लिंक है जिस लिंक से हम डायरेक्ट सिजिल को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपका सिस्टम विंडोज है या लिनक्स है, जो भी है, 32 बिट या 64 बिट, इस लिंक से जाके सिजिल की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। ये एक यूजर इंटरफेस है। जब हम सिजिल इंस्टॉल करके सिजिल को ओपन करेंगे, सिजिल एडिटर को, तो उसके अंदर कुछ हमें ऐसा यूजर इंटरफेस दिखेगा, जो ये मेन्यूज है, विंडो है और टूल्स बार है इसका, तो इस तरह का एक हमें यूजर इंटरफेस मिलने वाला है। इसको हम अभी देखेंगे जब वो इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे। एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी एक
सिजिल को इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका लुक एंड फील कैसा होगा। ये सिस्टम थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यस ये यूजर इंटरफेस है, ये एक बुक्स है जो हमने तैयार की है, ये इस तरह से। तो हम इसी तरह की एक और बुक्स को हम प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम ई बुक्स को डेवलप कर सकते हैं और किस तरह से हम इसके टूल्स बार को यूज कर सकते हैं। ये इसका कवर पेज है, ये इसका टेबल ऑफ कंटेंट है। इस तरह से हम इसमें ऑडियो वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं। ये एक ईपब है जो हमने डेवलप की हुई है, ये ईपब का यूजर इंटरफेस है, ये सिजिल एडिटर है। और इस तरह से हम इसको ईपब को डेवलप करते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये रिफ्लोगल होती है, रिसाइजेबल होती है। मैं स्क्रीन को छोटा करूंगा तो भी ये इसने अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लिया है इसको। ये किसी भी स्क्रीन साइज पर इजिली एडजस्ट हो जाती है। तो इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि किस तरह से इसको डेवलप करना है। सबसे पहले मैं फाइल में जाऊंगा और ओपन करूंगा न्यू फाइल। अब इसके लिए मुझे एक पीडीएफ की नीड होगी या किसी एक बुक की नीड होगी, जिसके लिए मैं देख सकता हूँ जहाँ से मैं कंटेंट ले सकता हूँ। इसके लिए मैं एनसीईआरटी वेबसाइट पर जाता हूँ। और कोई एक बुक्स वहां से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे क्लास 6 ले लेते हैं और क्लास 6 की सोशल साइंस बुक। चैप्टर 1
विजिबल इनवेस्टमेंट। ये हम चैप्टर वन ले लेते हैं। और इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर देते हैं, कंटेंट कॉपी, और अपने में यूज कर सकते हैं यहाँ। ठीक से मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन बाय सोशल साइंस, और ये चैप्टर वन है, तो इसको हमें डेवलप करना है ईपब में। इसका ये एडिटर है, यहाँ पर फ्रंट एंड है, और इसके बैक एंड में आप देख सकते हैं एक HTML जनरेट होता है। मैं आपको बता दूँ, ये है हेडिंग, इसमें कुछ हेडिंग्स टैग्स होते हैं, जैसे H1, H2, H3, H4, H5, H6, और सब ये डिफरेंट साइज के होते हैं। ये सभी डिफरेंट साइज के होते हैं, एक पैराग्राफ होता है ये, और ये सभी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट मीन्स ये अपने 100% विड्थ पर काम करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इसको एज H1, तो अब इसका साइज यहाँ से और यहाँ तक पूरी 100% विड्थ है। स्क्रीन पर जितना भी साइज मिलेगा ये 100% विड्थ में होगा। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें कलर करके देख लेते हैं H1। इसके लिए हमें CSS की नीड होगी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये HTML था, और इसको हम कलर करने के लिए, थोड़ा कलरफुल करने के लिए, इंटरेक्टिव करने के लिए हमें CSS की नीड होगी। तो CSS हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? ये CSS फोल्डर है, यहाँ पर हम लेफ्ट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक करके एड ब्लैंक शीट क्लिक कर सकते हैं। एड ब्लैंक शीट क्लिक करने पर यहाँ एक CSS फाइल जनरेट हो जाएगी, जिसके अंदर हम अपनी CSS फाइल रन कर सकते हैं। CSS फाइल में अपना CSS कोड लिख सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक यहाँ H1 टैग लगाया था, यहाँ एक H1 टैग लगाया था, लेकिन इस H1 पर कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसके एक CSS के अंदर इसको CSS लिख सकता हूँ, जैसे बैकग्राउंड कलर। ब्लू अब मैं यहां देखूंगा तो इस पर एक कलर आ गया होगा। नहीं, इससे पहले हमें इसको, इस CSS फाइल को ये HTML फाइल से लिंक करना होगा। तो CSS फाइल को HTML फाइल से लिंक करने के लिए HTML फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा लिंक स्टाइल शीट। लिंक स्टाइल शीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ में ऑप्शन देगा कि हमारे पास जितनी भी यहाँ पर CSS फाइल होंगी उसमें से किसी को भी हम यहाँ लिंक कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी एक हमने फाइल जनरेट की थी, तो उसको हम यहाँ क्लिक करके लिंक कर सकते हैं। ये फाइल हमारी लिंक हो गई। अब हमने देखा कि यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर जनरेट हो गया। इसको और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं CSS फाइल से जाके, जैसे हम इसको कलर दे सकते हैं। कलर मीन्स टेक्स्ट कलर और फॉन्ट कलर। इसको हम व्हाइट कलर दे देते हैं, व्हाइट कलर का कोड होता है FFF। ये अब ये व्हाइट कलर में हो गया, और थोड़ा सुंदर कर लेते हैं इसको, थोड़ा पैडिंग वगैरह। तो बेसिकली ईपब के लिए हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी, CSS की और HTML की। CSS और HTML की बेसिक नॉलेज होगी तो हम ईपब को इजीली डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा ये हेडिंग हो गया। अब इसको मैं सेंटर कर सकता हूँ। ये यहाँ पर ऑप्शंस हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन। जैसे भी आपको इसको डिजाइन करना है,
उस तरह से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। हम और कंटेंट ले लेते हैं थोड़ा टेस्टिंग के लिए। जी मैंने कुछ कंटेंट कॉपी किया है। ये कंटेंट हमारा पी है, मतलब पी मीन्स पैराग्राफ। इसको हम पीडीएफ में देखेंगे तो ये एक बहुत ही एक कलरफुल बॉक्स के अंदर है, एक कलरफुल बॉक्स के अंदर है। तो हम इसको भी यहाँ पर वही करने की कोशिश करेंगे जैसे कि पीडीएफ में शो हो रहा है। इसके लिए हम स्टाइल शीट पर जाएंगे। और यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ पी और बैकग्राउंड ग्रीन। इस तरह से इसमें काफी सारे टैग लग गए हैं। भी मैंने क्या करा, मैंने जो सी एस एस लगाई है वो मैंने बी टैग पर लगाई है। अब हम बी टैग पर सी एस एस लगाएंगे तो जितने भी हमारे आप ईपब के अंदर टैग होंगे वो सभी पर अप्लाई हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हम एक क्लास बना लेते हैं। तो एचटीएमएल में क्लास होते हैं और उन क्लास पर हम अपने सी एस एस को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक पैराग्राफ नाम की क्लास बना ली है। और इस क्लास पर मैं ये सी एस एस अप्लाई कर दूंगा। अपने यहाँ कंटेंट ये इस तरह से हम इसमें कुछ कोई इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए हम
मैं सिंपल, यहां से एक इंसर्ट ऑप्शन आएगा और फाइल, अदर फाइल में जाके हम यहाँ कोई भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ इमेज नहीं है तो मैं एक एक इमेज यहाँ से मैं क्रॉप कर लेता हूँ। मैंने एक इमेज क्रॉप करके सेव कर लिया है। मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ और इंसर्ट इमेज फाइल, मैंने डेस्कटॉप पर सेव की थी। इस तरह से हम अपने इमेज को यहाँ इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एप को डेवलप करते हैं और इसके अंदर हम काफी इंटरेक्टिव फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी और ऑडियो वीडियोस को भी हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स टू तो ईपब के लिए हमें अभी और ज्यादा टाइम लगेगा सीखने के लिए। मतलब ये हमने एक थोड़ा सा आपको डेमो दिया कि इस तरह से हम कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसके टूल्स को यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स। एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स क्या होते हैं और एनसीईआरटी कैसे एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स को यूज करता है। एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स आर दोज विच इंक्लूड अ क्यूआर कोड्स। इसमें क्यूआर कोड्स इंक्लूड होते हैं और जो क्यूआर कोड किसी एक्सटर्नल नेक्स्ट टॉपिक्स इज एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स। एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक्स आर दोज बुक्स जिसके अंदर हम अ क्यूआर कोड को इंसर्ट कर सकते हैं, क्यूआर कोड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उस क्यूआर कोड से लिंक होता है कोई वेबसाइट या कोई ऑडियो वीडियोज या कोई भी कंटेंट उसे होता है, लिंक होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्यूआर कोड के। इस तरह से क्यूआर कोड दिखता है और हम अपने स्मार्टफोन से और कैमरे का यूज करके क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं इसके कंटेंट को। व्हाई क्यूआर कोड्स आर यूजफुल्स। क्यूआर कोड्स इसलिए यूजफुल्स हैं क्योंकि एक्सेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जस्ट स्कैन विद कैमरा ऑफ योर स्मार्टफोन एंड यू कैन एक्सेस द कॉन्टेंट। इट इज इजी टू यूज, इट इज वर्सेटाइल एंड स्पेस सेविंग। इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है ट्रैकेबल। क्यूआर कोड को आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने आपके क्यूआर कोड को स्कैन किया। सेफ एंड कॉन्टेक्टलेस। क्यूआर कोड आर स्पेशली यूजफुल इन सिचुएशन वेयर कॉन्टेक्टलेस इंटरेक्शंस आर प्रेफर्ड।
जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक्स में हमने देखा, हम सभी ने यूज किया कि हमने क्यूआर कोड का जैसे मेन्यूज के लिए, पेमेंट्स के लिए और चेक इन के लिए। नाउ एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि हाउ टू जनरेट क्यूआर कोड, क्यूआर कोड को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें इस किस चीज की नीड होगी। तो क्यूआर कोड के लिए हमें, हम क्यूआर कोड जनरेट करेंगे गूगल शीट से, और कुछ हमें इस तरह के अपने गूगल शीट को मेंटेन कर लेना होगा, जैसे कि हमें चैप्टर नंबर, चैप्टर टाइटल, डोमेन यूआरएल, कोड, कंप्लीट यूआरएल, इस तरह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हैं नेम को। और इसके लिए हमें एक गूगल क्यूआर कोड की एपीआई की नीड होगी, जो हम इस लिंक से जाकर कॉपी कर सकते हैं और जस्ट टाइप कर सकते हैं गूगल पर QRICKIT API, और जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा वहां से हमको एपीआई मिल जाएगी। मैं एक एपीआई को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सो मेरे पास एक गूगल शीट रेडी है जिसमें मैंने कंटेंट को फिल किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ क्या, चैप्टर नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 और चैप्टर टाइटल्स, और ये डोमेन यूआरएल। डोमेन यूआरएल इज दैट जिससे आपको अपने क्यूआर कोड को मैप करना है, या क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपका क्यूआर कोड आपको कहाँ लैंड कराएगा, वो डोमेन आपको डोमेन यूआरएल में डालना है। उसके बाद एक सीक्रेट कोड होता है, सीक्रेट कोड जो आप जनरेट करेंगे अपने किसी भी बुक्स के लिए या चैप्टर के लिए, वो हम इस कॉलम में लिखेंगे। देन कंप्लीट यूआरएल, कंप्लीट यूआरएल करने के लिए हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है जो होता है कॉनकेट, कॉनकेट फॉर्मूला, एक्सेल का कॉनकेट फॉर्मूला होता है, जो क्या करता है किसी भी दो चीज को एक लाइन में और एक सीरीज में जोड़ने के लिए यूज होता है, कॉनकेटिनेट करने के लिए यूज होता है। तो फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉनकेट। तो ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को रन करने के बाद अब आप देखेंगे C3 और D3। मैं आपको C3 और D3 क्या है, C3 इज कॉलम एंड D3 इज रो। तो ए आप देख सकते हैं ऊपर टॉप पर, कॉलम नेम ए बी एंड सी, तो कॉलम नेम सी एंड इसकी रो थी 1, 2, 3, कॉलम नेम रो नेम इज रो नंबर इज 3, तो मैंने C3 यूज किया। और नेक्स्ट वाज डी, तो मैंने इसका कॉलम नेम डी और इसका रो नंबर 3 यूज किया। इस फॉर्मूले से ये दोनों कॉलम सी और कॉलम डी कॉनकेटनेट होकर एक कंप्लीट यूआरएल बन गया, दोनों को एक साथ मर्ज हो गया। अब बाकी के लिए मैं इसको सिर्फ ड्रैग कर सकता हूँ और ड्रॉप कर सकता हूँ, जिससे ये इजीली ये फॉर्मूला सभी में अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट, अब आपको क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए हमें एक एपीआई की नीड होगी।
एपीआई की नीड होगी, तो एपीआई मैं एपीआई कॉपी कर लेता हूँ। आप इस एपीआई को यहाँ से भी ले सकते हैं और गूगल पर सिंपल टाइप करके क्यू आर आई सी आई की ए टी वहाँ से भी डाउनलोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ D3 और E3 क्यों चेंज किया, क्योंकि अब मुझे इसको और इसको कॉलम D को और कॉलम E को मिलाकर एक जनरेट करना है QR कोड। तो D फॉर कॉलम D एंड E फॉर कॉलम E। मैंने D3 और डी कॉलम डी और ई को कॉन्केटिनेट किया और एक ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया। मैं थोड़ा इसको रिसाइज कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा देख पाए। ये हमारा क्यूआर कोड जनरेट हो गया। आप इसको स्कैन कर सकते हैं और ये आपको इस डोमेन पर ले जाकर लैंड करेगा। और इसके साथ भी हम सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कि हमें सभी मल्टीपल बल्क में क्यूआर कोड स्कैन हो सके, क्यूआर कोड जनरेट हो सके। सो दिस इज हाउ वी कैन जनरेट क्यूआर कोड। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अभी आपको कोई किसी को कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड ही करना पड़ेगा। हाँ सर, सॉफ्टवेयर को सर सिजिल सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना होगा। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आपको सिजिल टाइप करेंगे और गूगल पर सिजिल टाइप करेंगे, सिजिल डाउनलोड, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहां से आप इसको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल पे भी किया जा सर सकता है क्या प्रोसेस को इसको? रिपीट कर दीजिए, प्रोसेस को रिपीट कर दीजिए। सर एक्सक्यूज मी, ये सर एम आई ऑडिबल? जी मैडम बोलिए। हाँ मैडम सुन पा रहे हैं हम आपको। सर सर ये प्रोसेस को जो रिपीट क्यूआर कर को हम दीजिए लगा मैडम रहे हैं, जी। कोड की आवश्यकता क्या है सर? वो बाद में जो चैप्टर कोड लगाया था ना, यूआरएल उसमें डाल दिया, तो फिर कोड की आवश्यकता क्या है चैप्टर? सर उस कोड की आवश्यकता आपको एक, अगर हम कोई बुक होती है कुछ किसी बुक्स के लिए हम कोई सीक्रेट कोड बनाना चाहते हैं तो उसकी आवश्यकता सिर्फ उसी सीक्रेट कोड के लिए है। अदरवाइज आप उस कोड के बिना भी हम जनरेट कर सकते हैं उसको। थैंक यू सर।
सर एक बार कोड फिर से बता देंगे टाइप कर। कोड। हाँ जी सर, वो कोड कैसे आया थोड़ा सा क्लियर कर देते सर बस। अच्छा, मैं बताता बिल्कुल हूँ आपको। सर, सर एक क्यूआर जनरेटर कोड को में, रिपीट किया जाए सर एक बार, क्यूआर कोड को, क्यूआर हाँ मैं बताता हूँ जनरेटर में कोड सर मैं कैसे। जैसे कि बता पा रहा हूँ, यहाँ से दिखा रहा हूँ मेरी स्क्रीन। ये कोड यहाँ से हमने, ये एनसीईआरटी सभी बुक्स के लिए एक यूनिक कोड जनरेट करता है। ये कोड वही है, आप इस कोड को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इस कोड के बिना भी हम क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। तो हमें इस कोड की नीड सिर्फ इसलिए है ताकि हम इस कोड के अकॉर्डिंग भी हम समझ सकें ये कौन सी बुक्स है और ये चैप्टर कौन सा है। आप देख सकते हैं इस कोड में लिखा हुआ है CH01, तो 11152 इज द बुक कोड एंड CH01 इज अ चैप्टर वन कोड। एक बार मैं आपको फिर से प्रोसेस बता देता हूँ आपको इसका। क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए ये कंप्लीट यूआरएल को मैप करने के लिए हमको यहाँ एक फॉर्मूले की नीड होती है। जो फॉर्मूला है कॉनकेट C2D2। कॉनकेट मीन्स हम दो कॉलम को या दो किसी भी दो चीज को एक पैरेलल लाइन में और सीरीज में ऐड करने को कॉनकेटनेट कहते हैं। तो अभी हमारे पास एक डोमेन यूआरएल था और एक कोड था, मुझे इन दोनों को कॉनकेटनेट करके एक कंप्लीट यूआरएल बनाना था विच इज दिस। तो इसके लिए एक कोड, एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में विच इज कॉनकेट, ये वाला। ये कॉनकेट इक्वल टू CONCAT C3D3। सी जो, ये सी और डी ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम, मेरा कॉलम नेम सी था और कोड का कॉलम नेम डी था, तो और ये इसका रो नंबर 3 था, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड दिस इज रो नंबर 3। तो इसलिए मैंने इसको C3 और D3 लिखा। और ये सेकेंड नंबर पर होता तो मैं C2D2 करता, और फोर के लिए C4D4 करता। तो ये कॉनकेटनेट फॉर्मूला लगाने से ये दोनों कॉलम एक साथ कॉनकेटनेट हो जाते हैं और एक कंप्लीट यूआरएल जनरेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ID इक्वल तक ये डोमेन यूआरएल है, और उसके बाद 1152 जो है ये कोड है। तो इन दोनों को इसने एक साथ मिला दिया है। और किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है सर, मैं तो समझ सर सकता मैं, हूँ आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हैं और बहुत सारी क्वेरीज डील होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। जो आप रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं मैंने वेब पेज तैयार करवा दिया है, रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो रही हैं वहाँ पे, ओके जैसे सर, कंप्लीट हो पूछना जाएगा सर। जी वो मैं हमारे लिंक आपको स्कूल शेयर में, कर देता हूँ। हाँ हमारे स्कूल में मैथ्स की बाय द तैयारी चल इवनिंग रही है हम ग्रुप साथ में में। लिंक डाल देंगे कि आप वहाँ से ये रिकॉर्डिंग सेशंस कर पाएँ। जो आपको थैंक यू सर सर। समझाना चाह रहे थे, जो उसमें ये था कि एक डोमेन यूआरएल होता है, डोमेन यूआरएल वो होता है जहां आपका कंटेंट स्टोर होता है। जैसे हमारा ई पाठशाला, ई पाठशाला पे हमारी किताबें हैं, एनसीईआरटी की वेबसाइट है उस पे हमारी किताबें हैं, उसको हम डोमेन यूआरएल कहते हैं। और हम जिसके लिए क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं वो एक चैप्टर होता है, ठीक है। तो वो डोमेन यूआरएल, फिर हम एक चैप्टर को कोड देते हैं, दोनों को कॉन्केट करके मर्ज करते हैं नेक्स्ट कॉलम में, जो एक कोड बताया सर ने, इक्वल टू कॉनकेट D3C3 कॉलम या D2C2 कॉलम, जो भी आप कॉलम वहाँ आपका आपने कोड इंसर्ट किया वहाँ पे। फिर एक API कोड बताया जिस कोड को यूज़ करके आप URL जनरेट कर पाते हैं, QR कोड जनरेट कर पाते हैं।
और वो क्यूआर कोड बेनिफिशियल इसलिए है कि डायरेक्ट हम बुक को स्कैन करके उससे रिलेटेड रिसोर्सेज या उस बुक के पीडीएफ चैप्टर को हम एसेस कर सकते हैं। तो होपफुली ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, लेकिन इतना भी टेक्निकल नहीं है कि आप इसको समझ ना पाएँ और सीख ना पाएँ। ज़रूर सीख पाएंगे और कोशिश करेंगे तो ज़रूर सीख पाएंगे। और सर हमारे साथ हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप पोस्ट कीजिए, हमें भेजिए, हम उन तक पहुंचाएंगे और वो आपको रिजॉल्व करके देंगे इन सब। डोमेन यूआरएल कोड कैसे जनरेट किया जाता कर सकते हैं, सर हैं हमारे साथ, तो मैं एक बार उनको बोलता हूं कि इस बारे में बताएं। डोमेन यूआरएल तो आपके जो भी वेबसाइट होगी या जहां पर भी आपको मैप करना है, डोमेन तो आप ही के पास होगा, ये जिस भी इसको कंटेंट को आपने जहां पर जिस यूआरएल पर सेव किया होगा ये वो वाला यूआरएल है, आपको वही यूआरएल आपको यहां पर यूज करना है क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए। हाँ सर, और अगर आपका कंटेंट किसी ड्राइव पर रखा हुआ है या यूट्यूब पर है या ऐसी किस तरह भी क्लाउड पर रखा हुआ है, आप वो वाला यूआरएल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे आपका कंटेंट किसी ड्राइव के किसी फोल्डर पर्टिकुलर फोल्डर में है तो आप उस यूआरएल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या कोई वीडियोज है जो यूट्यूब पर अपलोडेड है आप उस वीडियो का यूआरएल भी यूज कर सकते हैं। ओके, होपफुली आप समझ पाए होंगे कि सर क्या समझाना चाह रहे थे। बेसिकली डोमेन यूआरएल वो होता है जहां आपका कंटेंट सेव होता है। अगर आपने ड्राइव पे रखा है और ड्राइव पे आप कोई भी कंटेंट ओपन करते हैं, तो जो ऊपर यूआरएल आता है वो आपका डोमेन यूआरएल है जहां से आप उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी हैंड रेज हैं, तो फर्दर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा इसको। मैं आंसर कर पाऊंगा तो जरूर करूंगा, लेकिन बाकी क्वेरीज मैं आपसे कहूंगा कि ग्रुप में पोस्ट करें तो सर उसको आंसर करेंगे। सो आई लाइक टू थैंक मिस्टर रमीज आलम फॉर द सेशन, इंसाइटफुल सेशन ऑफ क्यूआर।